All right, friends, now there is a concept of EOQ. Concept of EOQ means economic order quantity. What do you mean by EOQ? It is a economic order quantity. It is a quantity where the total cost of material is minimum. Total cost of material is minimum. मैंने आपको क्या बताया friends, always कि whenever there is a, you know that any chapter, you divide in three. First is a preparation, second is a revision, and third is how to attempt in the exam. As far as the preparation part is concerned, you divide in two. What is topic itself, and second, what is the importance of this topic in day-to-day life? मैंने आपको क्या बताया था? What do you mean by material cost? It means your material cost equal to your purchase cost, your ordering cost, and your carrying cost. Purchase cost means मैंने आपको बताया था friends, your purchase quantity into rate, और हम लोग काफी इस पे डिस्कस कर चुके हैं परचेज क्वांटिटी इंटू रेट, इसके ऊपर हम काफी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, सही है? सुनो, अब आता है आपका सपोज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट. तो वन बाई वन अपन ले लेते हैं. सपोज यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर लाइक यू नो आपके घर का एग्जाम्पल आप लीजिए. टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर होम. दिस इज योर स्वीट होम एंड दिस इज योर मॉम. This is your mom, right? और ये mom का sweet home. अभी mom आपको पूछती है कि ये आज कौन सा टॉपिक सिखाया दानी सर ने. आप बोले mom आज material का टॉपिक सिखाया था. बोले उसमें क्या होता है? बोले mom I can give you the quantity where the total cost of material is minimum. बोले अरे ऐसे कैसे? बोले हाँ. बोले tell me what is your annual consumption. It means Your annual consumption of sugar. You tell me कितना है आपका annual consumption of sugar. आपका पूरे साल में कितना है? मम्मा बोलती है 120 kg. मम्मा बोलती है 120 kg मेरा sugar का पूरे साल में consumption है. Means my annual consumption 120 kg. Now this you can purchase in the lot of suppose say 10 kg. If you purchase 10 kg at a time, you have to pay 20 rupees per kg. And if you purchase 20 kg at a time, it means you have to pay 19 rupees per kg. If you purchase 10 kg, then you have to pay 20 rupees per kg. Or if you take 20 kg, then you have to pay only 19 rupees per kg. Means at a time, if you purchase 10 kg, 10 kg ka this is known your lot size. Isko kya bolenge? Lot size ya order size. It means your order size is 10 kg, or your order size is suppose say 20 kg. तो अगर आप 10 kg परचेज करते हो तो आपको रेट लगेगा 20 rupees पर kg, ओके, एट ए टाइम. अगर आप 20 kg लेते हो तो यू हैव टू पे 19 rupees पर kg. देन देयर इज ए ऑर्डरिंग कॉस्ट मींस एनी एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू ऑर्डरिंग द मटेरियल. सपोज आप एक बार कॉल करते हो, राइट, शॉपकीपर को, लोकल बनिया को आप कॉल करते हो. आप उसको बोलते हो कि वी वांटेड टू परचेज 10 केजी ऑफ सुगर, व्हाट इज द प्राइस, राइट, क्या चल रहा है. फिर वो बोलता है ठीक है, अच्छा ठीक है, दिस इज आवर एड्रेस एंड यहाँ पे आप भेज देना. तो वो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपका 1 rupee एंड पर ऑर्डर, 1 rupee पर ऑर्डर. ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन्स एनी एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑर्डर. देन फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ए कैरिंग कॉस्ट.
कैरिंग कॉस्ट मीन्स आपका दो रहेगा, एक रहता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक आपका रहता है स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, एक आपका रहेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक आपका रहेगा स्टोरेज कॉस्ट, एक आपका रहेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक आपका क्या रहेगा स्टोरेज कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स क्या, अभी आपने 10 केजी सुगर परचेज किया एट द रेट ऑफ 20, इट मीन्स आपका 200 रुपीज ब्लॉक हो गया सुगर में। अगर आप ये सुगर नहीं खरीदते एंड इफ यू डिपोजिट दिस अमाउंट इन टू द बैंक, यू विल गेट द बैंक इंटरेस्ट, यस और नो? आपने 10 केजी परचेज किया एट द रेट ऑफ 20, आपका कितना पैसा ब्लॉक हो गया 10 केजी इंटू 20, 200 रुपीज। अगर आप ये नहीं खरीदते, अगर आप ये सुगर नहीं खरीदते और आप इस पैसे को बैंक में डिपोजिट करते, अगर आप ये नहीं खरीदते और आप इस पैसे को बैंक में डिपोजिट करते तो आपको क्या मिलता था इसके ऊपर, आपको मिलता था बैंक इंटरेस्ट। अब वो आपको बैंक इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, अब वो आपको बैंक इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मीन्स यू आर लूजिंग एनी अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर लूजिंग एनी अपॉर्चुनिटी बाय टेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। सेकेंड, इन मुंबई द प्लेसेस आर वेरी कॉस्टली, राइट? आप ये 10 केजी सुगर का बॉक्स लाके घर में रखते हो, राइट? दैट इट मीन्स दिस रिक्वायर्ड सम प्लेस, आपको कुछ जगह उसका लगेगा, बराबर? ये जगह लगेगा, तो अगर आपका घर रेंट का है तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, अगर आपका घर लाइक यू नो खुद का है तो आपका इंश्योरेंस है, आपके टैक्सेस है, आपका डेप्रिसिएशन है, वो सब मिला के आपका हो जाएगा। सही है, सुनो, तो ये आपके दोनों का टोटल, इट मींस योर स्टोरेज कॉस्ट, एक आपका स्टोरेज कॉस्ट है, एक आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और दोनों से मिलके आपका क्या, ये आपका बैंक इंटरेस्ट है, ये आपका रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस मिलके ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट। लेकिन इसको कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे लोग ना इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, अभी सपोज अगर आपने आपने एवरी मंथ यू आर परचेजिंग 10 केजी ऑफ मटेरियल, इसका मतलब पहला ऑर्डर आप इशू करोगे वन वन लाइक 1 जनवरी को आप करेंगे, सही है सुनो फ्रेंड्स, पहला ऑर्डर आप कब प्लेस करेंगे, पहला 10 केजी का ऑर्डर आप कब प्लेस करेंगे, आप प्लेस करेंगे 1-1, दूसरा आप प्लेस करेंगे 10 केजी का ऑर्डर 1-2, इसका मतलब 1-1 को आपने परचेज किया और आपका मटेरियल 31st 1 को क्या हो जाएगा, जीरो। स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, 10 केजी, एंड में 31st में आपके पास क्या हो जाएगा, 0 केजी। तो इसके ऊपर हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट कॉस्ट, इसका मतलब देखो ये जरा समझो, दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट डिवाइड इन टू, वन इज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड सेकेंड इज ए स्टोरेज कॉस्ट, वन इज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वन इज ए इंटरेस्ट, है ना? अब ये कैरिंग कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सपोज आपने 10 केजी परचेज किया, 10 केजी परचेज किया 1-1 को, लेकिन आपका 31st मतलब एंड ऑफ द मंथ में आपके पास क्या हो जाएगा, 0 केजी, और स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, 10 केजी। अब इसके ऊपर आप कैसे कैसे आप इसके ऊपर इंटरेस्ट या स्टोरेज कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, पहले आपका पैसा इन्वेस्ट था 10 केजी इंटू 20 रुपीज पर केजी 200, लेकिन एवरीडे आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, 31st को आपके पास क्या रह गया, 0, आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 0। तो अब इसके ऊपर आप कैसे इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, ये आपका हो गया इंटरेस्ट वाला पार्ट, फिर स्टोरेज वाला पार्ट, स्टोरेज वाले पार्ट में क्या करोगे, ये 10 केजी आपको चाहिए, 10 केजी के लिए इतना प्लेस चाहिए, ये कभी चाहिए 1-1 को, लेकिन 31st को, 31st 1 को आपको कितना प्लेस चाहिए, 0, नथिंग। तो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि भाई आपका स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट था 10 केजी, एंड में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, 0 डिवाइडेड बाय 2, आप उसको एवरेज इन्वेस्टमेंट करके ले लो। जब आप सीए फाइनल में आएंगे तो एक टॉपिक है उसको बोलते हैं, जब आप फाइनल सीए में आएंगे, जब आप फाइनल सीए में आएंगे तो एक टॉपिक है
एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज जस्ट इन टाइम परचेज, मतलब कंपनी को अब यही चीज हम लोग कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट इन टाइम परचेज मीन्स एज एंड वेन रिक्वायर्ड, एज एंड वेन रिक्वायर्ड, अब आपको कब कैलकुलेट करना है, एज एंड वेन रिक्वायर्ड, आपको कब कब परचेज करना है मीन्स एज एंड वेन रिक्वायर्ड, उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। तो वहां पे बच्चे लोग को ये समझता ही नहीं है करके ना, बहुत बच्चे लोग का मुझे कॉल आता है, बहुत बच्चे परेशान होते हैं, इसका मतलब स्टार्टिंग में आपका 10 kg था, एंड में आपका 0 हो गया, इसके ऊपर क्या बिजनेसमैन के पास काम नहीं है क्या, वो कैसे कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट कॉस्ट, वो इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा, क्या एवरीडे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, नहीं। इंस्टीट्यूट बोलता है कि यू टेक ओपनिंग, यू टेक क्लोजिंग एंड दैट यू डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब आपका जो भी ऑर्डर साइज है, आपका ऑर्डर साइज क्या था 10, तो अपन कर ले सकते हैं हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज, हमेशा आपको क्या लेना है हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज, आपको क्या लेना है हमेशा बोलो हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज, हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज मींस योर ओपनिंग प्लस योर क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज, ओके। तो हमेशा अपन क्या, हाफ का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 हाफ। अब देखो मामा ने क्या पूछा कि भाई मेरे को 10 kg परचेज कर सकती हूँ या 20। अब अपने को ये बताना है मम्मा को कि मम्मा को 10 kg परचेज करना चाहिए या मम्मा को 20 kg परचेज करना चाहिए, मम्मा को 10 kg परचेज करना चाहिए या मम्मा को 20 kg परचेज करना चाहिए, ये आप जरा ध्यान से देखिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ पूरा व्हाट डू मीन बाय मटेरियल कॉस्ट, ओके। बहुत ध्यान से धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझते हुए अपन आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखो मम्मा को अपने को बताना है कि मम्मा को 10 kg में लेना चाहिए, 10 kg लेना चाहिए या मम्मा को ऑर्डर साइज 20 kg लेना चाहिए, ये अपने पास इंफॉर्मेशन है। अब देखो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट हम लोग पैसे निकालेंगे। मैंने आपको क्या बताया, पहले आप ले लो ऑर्डर साइज, एक आपके पास ऑर्डर साइज है 10 kg, एक आपके पास ऑर्डर साइज है 10 kg, एक आपके पास ऑर्डर साइज है 20 kg। पूरे साल में आपको कितना खरीदना है, अपना एनुअल कंजम्पशन क्या लिखा था मैंने 120 kg, पूरे साल में मम्मा को कितना खरीदना है 120 kg। अब देखो पहला आएगा आपका परचेज कॉस्ट, व्हाट डू मीन बाय परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट मींस 120। अगर आप 10 kg एक बार में खरीदेंगे तो आपको प्राइस क्या लगेगा 20 rupees पर केजी, अगर आप 20 खरीदेंगे तो आपको प्राइस क्या लगेगा 19 rupees पर केजी। इट मींस दिस इज योर 120 × 20, आपका मटेरियल कॉस्ट क्या आएगा 2400, 120 × 19 आपका मटेरियल आएगा 2280। अगर 120 × 20 2400 और 120 × 19 विल बी 2280, देन यू गो टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, देन यू गो टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। इट मीन्स आपको खरीदना है 120 kg, एक बार में कितना खरीद सकते हैं 10 kg,
आपको खरीदना है 120 केजी, एक बार में कितना खरीद सकते हैं 20 केजी इनटू, इसका मतलब कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 120 केजी आपको पूरे साल में खरीदना है, 120 केजी पूरे साल में खरीदना है, 120 डिवाइडेड बाय 10 एट ए टाइम खरीद सकते 12, और 1 रुपी का ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इसका मतलब आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे 12 रुपीज के। आर यू फॉलोइंग ऑन नोट फ्रेंड्स? 120 केजी आपको खरीदना है, 120 केजी आपको खरीदना है, और 10 केजी एट ए टाइम खरीदो, आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे 12 ऑर्डर, और एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है 1 रुपी, तो कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट 12 रुपीज। से यस ऑन ऑफ देन 120 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1, यहाँ पे कितना लगेगा आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट 6 रुपीज, यहाँ पे आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लगेगा 6 रुपीज, ये आपका। देन आपका फाइनल आएगा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मीन्स योर स्टोरेज कॉस्ट प्लस योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने क्या बताया आपको क्या लेना है, हाफ हाफ ऑफ ऑर्डर साइज 10 केजी, हाफ हाफ ऑफ ऑर्डर साइज 20 केजी। सपोज आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि योर कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर यूनिट पर एनम या पर केजी पर एनम, 10% पर केजी पर एनम, इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, यहाँ पे 20 रुपीज पर केजी, यहाँ पे 19 रुपीज पर केजी इंटू 10%, इट मीन्स दिस इज योर 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 इंटू 10% इज 10 रुपीज, देन 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 19 इंटू 10% इज 19 रुपीज। आपका टोटल कॉस्ट आएगा 2400 प्लस 12 रुपीज प्लस 10 रुपीज इज 2422, यहाँ पे आएगा आपका 2280 प्लस 6 प्लस 19 इज 2305, इसका मतलब आपको कितना खरीदना चाहिए, ये खरीदना चाहिए। सही है सुनो फ्रेंड्स, मीन्स अगर आपके पास 10 केजी का एक लॉट साइज है, दूसरा आपके पास लॉट साइज है 20 केजी का, आपको पूरे साल में कितना खरीदना है, व्हाट इज योर एनुअल कंजम्पशन 120 केजी, व्हाट इज योर एनुअल कंजम्पशन इज 120 केजी इंटू 20 रुपीज इंटू 19 2400 2280, यहाँ पे 120 केजी डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 12 रुपीज, 120 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1 इज 6 रुपीज, यहाँ पे हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज, व्हाट इज द ऑर्डर साइज 10 एंड 20, व्हाट इज आर 8 20 एंड 19 एंड What is the percentage is 10, this comes to 10 and this comes to 19. So, आपका total material cost 2305 and 2422. इसका मतलब आप मम्मी को बोल सकते हो कि आपको कितना खरीदना चाहिए, आपको खरीदना चाहिए 2305. आपको मम्मा को आप क्या बोल सकते हो, आपको कितना खरीदना चाहिए 2305. अगर आप 20 kg खरीदोगी तो आपको total cost क्या आएगा, आपको total cost आएगा minimum. आपको टोटल कॉस्ट क्या आएगा मिनिमम, ये क्लियर हुआ कि एक आपका पहला आ जाएगा आपका ऑर्डर साइज, आप कितना खरीदना चाहते हैं, व्हाट इज द परचेज कॉस्ट, व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड व्हाट इज द कैरिंग कॉस्ट एंड देन यू विल गेट द टोटल मटेरियल कॉस्ट। इसका मतलब आपका जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है, टोटल मटेरियल कॉस्ट है वो सबसे कम है, वो है 2305। आपका जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है वो सबसे कम जो मटेरियल कॉस्ट है वो आपका क्या है 2305। सही है सुनो, आपका जो सबसे कम मटेरियल कॉस्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट होगा 2305। आपको कितना खरीदना चाहिए, आपको 20 केजी खरीदना चाहिए, ये घर जब यही चीज यू कैन अप्लाई इनटू द कंपनी, उनका आप एनुअल परचेज ले लो, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दे के रखेगा, आपको कैरिंग कॉस्ट दे के रखेगा, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज समझाई कि नहीं समझाई वो आप मुझे बताइए, मैंने आपको एक एक चीज समझाया कि नहीं समझाया वो आप मुझे बताइए, आपको परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिए फ्रेंड्स आर यू फॉलोइंग?
ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अब उसमें और प्रॉब्लम आता है कि सपोज अगर वो बोलता है दिस इज योर एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल नंबर टू, अब इसमें बोल रहा है कि एनुअल मेरा परचेज है, एनुअल मेरा कंजम्पशन है सपोज 120 केजी, मम्मी बोल रही है मेरा एनुअल कंजम्पशन है 120 केजी, माय ऑर्डरिंग कॉस्ट है, माय ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1 रुपी पर ऑर्डर, माय ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1 रुपी पर ऑर्डर एंड माय कैरिंग कॉस्ट है, ये सब आपको एग्जाम में देके रखेगा। कैरिंग कॉस्ट है सपोज से माय कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम, और यू परचेज एनी क्वांटिटी, बराबर आपका एनुअल परचेजेज है, आपका एनुअल परचेजेज है यहाँ पे 120 केजी, आपका एनुअल परचेजेज है 120 केजी, आपका एनुअल परचेजेज है, ये आपका एनुअल परचेजेज है, एनुअल परचेजेज 120 केजी, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1 रुपी, कैरिंग कॉस्ट 10% पर एनम। अब वो बोल रहा है कि आप कुछ भी क्वांटिटी परचेज करो, कोई भी क्वांटिटी आप परचेज करो, आपको परचेज प्राइस रहेगा, परचेज रेट आपका रहेगा सपोज 20 रुपीज पर केजी, आपको कोई डिस्काउंट नहीं है, आपको जो जितना भी खरीदना है आप खरीदिए, लेकिन आपको परचेज जो प्राइस है, आपका जो परचेज प्राइस है वो परचेज प्राइस आपको क्या लगेगा, आपको परचेज प्राइस लगेगा 20 रुपीज पर केजी, आपको परचेज प्राइस क्या लगेगा 20 रुपीज। अब आप कितना खरीदेंगे, अगर आप कम खरीदते हैं तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अगर आप ज्यादा लेते हैं तो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और जो जगह है कंपनी को वो ज्यादा लगेगी। यही कंसेप्ट, वही तो मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है पहले आपको वो समझना है, व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ एंड सेकंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपका काम हो जाएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ, अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आपका काम हो जाएगा। सही है, सुनो फ्रेंड्स, तो ये पर्टिकुलर केस में अब हम कहां पे अटक गए, हम इसके लिए अटक गए कि भाई अगर हमने ऑर्डर साइज छोटा रखा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगा, अगर मैंने ऑर्डर साइज बड़ा रखा तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे लेकिन मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट और ये मेरा बढ़ जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए केस में, ये पर्टिकुलर केस में, ये पर्टिकुलर केस में मुझे क्या करना चाहिए। ओके, तो यहां पे आपका जन्म होता है प्रोफेसर विलियम्स ई ओ क्यू, प्रोफेसर विलियम्स ई ओ क्यू, प्रोफेसर विलियम्स ई ओ क्यू, ये बोलते हैं ई ओ क्यू इज 2AO/C, 2AO/C, ए फॉर योर एनुअल कंजम्पशन, ए फॉर योर एनुअल कंजम्पशन, व्हाट इज योर एनुअल कंजम्पशन इज 120 केजी, ओ फॉर योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ फॉर योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1 रुपी पर ऑर्डर, 1 रुपी पर ऑर्डर, सी फॉर योर कैरिंग कॉस्ट, सी फॉर योर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम एंड पर केजी, 10% पर एनम एंड पर केजी, इट मीन्स ई ओ क्यू, ई ओ क्यू इक्वल टू 2AO/C, टू व्हाट इज योर एनुअल कंजम्पशन 120 इंटू व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1/, व्हाट इज द कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मीन्स 20 का 10%, 20 इंटू 10% एंड दिस कम्स टू 2, इट मीन्स टोटल, सो 2 इंटू 120/2 का अंडर रूट करिए आप, आपको आएगा 10.95,
if you purchase 10.95 kg at a time, then you will get the total minimum cost. If you purchase at a time 10.95 kg, if you purchase, if you purchase 10.95 kg at a time, if you purchase 10.95 kg at a time, then आपका क्या आएगा? प्रोफेसर विलियम्स क्या बोलते हैं, 2AO डिवाइडेड बाई C, A फॉर एनुअल कंजम्पशन, O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, C फॉर कैरिंग कॉस्ट. 120 kg खरीदना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है, ये है. तो इफ यू परचेज 10.95 kg एट ए टाइम, आपका जो टोटल कॉस्ट है मटेरियल का वो क्या आएगा? मिनिमम. ये बोलता है कि अगर आप 10.95 kg खरीदते हो, मेरा फॉर्मूला यूज करके अगर आप 10.95 kg खरीदते हो, तो आपका जो टोटल कॉस्ट है मटेरियल का, जो टोटल कॉस्ट है वो आपका क्या आएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपका क्या आ जाएगा? इज ए मिनिमम. टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपका क्या आ जाएगा? इज ए मिनिमम. सही है सुना. परफेक्टली क्लियर हो. ओके, नाउ यू कैन वेरीफाई ऑल्सो दिस. हम कैसे माने कि इसकी बात जो है वो सही है कि नहीं? 10.95 kg को ना, तो आप देखो, एक आप ऑर्डर साइज ले लो 10 kg, जो 10.95 से छोटा है. एक 10 kg हम खरीद के देखते हैं और एक इससे बड़ा है 20 kg लेके देखते हैं, और फिर हम कंपेयर करते तीनों को, सबसे कम कॉस्ट आएगा तो हम मान लेंगे उसको. इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट showing total material cost. Order size purchase cost ordering cost carrying cost total cost. Say yes or no. First, order size, purchase cost, ordering cost, carrying cost, and this will be total cost, or इसको हम क्या बोलेंगे? Total material cost. Yes or no, friends? Perfectly clear or not? अब order size मैंने आपको क्या बताया? एक order size अपन लेके देखते हैं, देखो जरा, एक ऑर्डर साइज अपन लेके देखते हैं, 10 kg, 20 kg, 10.95, 10 kg, 20 kg and 10.95. ये इसका गारंटी कि सबसे जो कम कॉस्ट आएगा वो किस में आएगा? 10.95. सबसे कम कॉस्ट कहां पे आएगा? 10.95. सबसे कम कॉस्ट का आएगा 10.95. सही है सर. कितना हमको खरीदना है पूरे साल में? हमको पूरे साल में खरीदना है 120 kg. मींस हमको पूरे साल में खरीदना है 120 and 120. आप कितना भी खरीदिए, कोई भी लॉट साइज खरीदिए, वो क्या बोलता है कि मेरा रेट क्या रहेगा? इज ए 20 rupees पर केजी. कोई भी क्वांटिटी आप खरीदिए, आपको मुझे पे कितना करना है? 20 rupees पर केजी. इट मींस 20, 20 and 20. इट मींस व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल? 2400
and 2400. Then your ordering cost 120 divided by 10 kg, 120 divided by 20 kg, 120 divided by 10.95. तो आपको क्या आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपको आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और एक ऑर्डर का आपको कॉस्ट क्या दे रखा है, व्हाट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1 रुपी पर ऑर्डर, इट मींस 120 डिवाइडेड बाय 10 इज 12 रुपीस, ऑलराइट, देन 120 डिवाइडेड बाय 20 इज 6 रुपीस एंड 120 10.95 इनटू 1 इक्वल टू 10.95. ये आपका हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, इट मींस 120, इट मींस 120 केजी, एक बार में कितना खरीदेंगे 10 केजी, कितने ऑर्डर्स हो गए 12 इंटू 1, इट मींस 12 रुपीस, 20 केजी, इट मींस 120 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1 इज 6 रुपीस, 120 10.95 इंटू 1 इज 10.9. ये आपका क्या हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट. बहुत ध्यान से सुनिए फ्रेंड, एक एक कंसेप्ट को आप क्लियर करिए. फाइनल सीए में भी लोग, जब मैं जस्ट इन टाइम पढ़ाता हूँ, लोग बोलते नहीं सर समझा नहीं, सर समझा नहीं, सर समझा नहीं. ओके, प्लीज पे अटेंशन. ओके, देन यू टेक योर कैरिंग कॉस्ट, देन यू टेक योर कैरिंग कॉस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग कॉस्ट, मैंने आपको क्या बताया था, हाफ 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 half of the order size 10 kg, half of the order size 20 kg, half of the order size 10.95, half of the 10 kg, half of 20 kg, half of 10.95 kg into what is the cost of material, 20 rupees per kg. What is the cost of material? 20 rupees per kg. And what is the opportunity cost and carrying cost is? Carrying cost is 10% is given in the example. Your carrying cost. Carrying cost means, whatever bolo. Carrying cost means, comment karo. Carrying cost means your opportunity cost and storage cost. Your opportunity cost and storage cost. Your opportunity cost and your storage cost. Say yes or no. Perfect. Ab aap aa jaiye friends. It means this is 10 divided by 2 into 2. 10% is 10 rupees. Then 20 divided by 2 into 20 into 10% is 20. Then 10.95 divided by 2 into 20 into 10% is 10.95. It means 2400 plus 12 plus 10 is 2422. Then 2400 plus 6 plus 20 is 2426. Then 2400 plus 10.95 plus 10.95 is 2421.9. अब आप देख लीजिए सबसे कम कॉस्ट आपका कहाँ पे आ रहा है, आपका सबसे कम कॉस्ट आपका कहाँ पे आ रहा है, फिर जो मिनिमम कॉस्ट 2400 10.95 यहाँ पे आपका रहा है 2426, यहाँ पे आपका रहा है 2422, यहाँ पे आपका रहा है सबसे कम कॉस्ट आपका रहा है 2421.9. दूसरी चीज, एच पर प्रोफेसर विलियम्स ईओक्यू मॉडल, योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड योर कैरिंग कॉस्ट विल बी ऑलवेज इक्वल. दो ही चीजें आपको ध्यान रखना है, ईओक्यू अगर आपने, प्रोफेसर विलियम्स अगर आपने फॉलो किया है, तो आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा.
आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो क्या रहेगा, आपका मिनिमम रहेगा। आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो क्या रहेगा, आपका मिनिमम रहेगा। आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो आपका क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। आर यू फॉलोइंग माय फ्रेंड्स? दूसरा, एज पर ईओक्यू मॉडल योर कैरिंग कॉस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब मैं आपको मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं यार, एज पर दिस आवर कैरिंग कॉस्ट एंड आवर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू सेम दोनों रहेंगे। अगर ये 10.95 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 10.95। सही है। तो ये अब इसके लिए और एक कंडीशन है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि योर प्राइस ऑफ द मटेरियल, आपका जो प्राइस ऑफ मटेरियल है वो सेम होना चाहिए, आपका पर ऑर्डर कॉस्ट है वो सेम होना चाहिए, आपका जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी सेम होना चाहिए। अगर आप इसमें कुछ फ्लक्चुएट करोगे, जैसे पहले वाला एग्जाम्पल था कि 10 kg खरीदोगे तो 20 rupees पर kg है और 20 kg खरीदोगे तो 19 rupees पर kg है, अगर आप वो करोगे तो यहाँ पे अप्लाई होगा नहीं। ये अप्लाई कब होगा, जब आपका ये रहेगा। सही है सर, परफेक्टली क्लियर हो जाइए आप, मुझे आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपका क्या रहेगा, मिनिमम। तो ये पहला आप जरा देख लीजिए, मैंने आपको लिखाया है, इसमें थ्योरी लिखाया है। सॉल्यूशन बुक आप निकालिए, सॉल्यूशन बुक में आप देखिए जरा, दिस इज योर सॉल्यूशन बुक, सॉल्यूशन बुक में आप निकालिए योर क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी सॉल्यूशन बुक में आप निकालिए, सॉल्यूशन बुक में आप लिखाइए पेज नंबर 1.5। तो मैंने आपको पूरा दे रखा है सॉल्यूशन बुक में, पेज नंबर 1.5, प्रोफेसर विलियम्स ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, प्रोफेसर विलियम्स ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, मीनिंग ऑफ ईओक्यू, इट इज ए क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज मिनिमम। इट इज ए क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज मिनिमम, बट दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इफ द प्राइस ऑफ मटेरियल इज कॉन्स्टेंट। But this method is applicable only if the price of the material is constant. इसका मतलब आपका price of material क्या होना चाहिए, constant. आपका rate per order क्या होना चाहिए, constant. आपका carrying cost क्या होना चाहिए, constant. एक ही percentage, 10% है तो 10%, 1 rupee per order है तो 1 rupees, material है 20 rupees per kg तो 20. अगर आप ये फ्लक्चुएट करोगे तो ये मेथड अप्लाई होगा नहीं। सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होना। अब आप जरा देखिए, तो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं और जरा आपको तो ज्यादा और क्लियर होगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, आप जरा देख लीजिए फ्रेंड्स, आप निकालिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, पेज नंबर 1.5 एंड दिस इज फ्रॉम सॉल्यूशन बुक। परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, देखो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। ए मैन्युफैक्चरर बाइज सर्टेन इक्विपमेंट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एट ₹30 पर यूनिट। The total annual needs is 800. The following further data is available. Annual return on investment 10%. Rent, insurance, taxes per unit is 1.
कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 100 डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. मैंने आपको क्या बोला, पहले आप गिवन, ए ए फॉर एनुअल कंजम्पशन, ए फॉर योर एनुअल कंजम्पशन. ए मैन्युफैक्चरर बाई सर्टेन इक्विपमेंट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एट द रेट ऑफ 30 rupees पर यूनिट. इट मीन्स दिस इज योर रेट, रेट रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट इज 30. एनुअल कंजम्पशन इज 800 यूनिट्स. एनुअल कंजम्पशन इज 800 यूनिट्स. देन ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1 rupee पर ऑर्डर. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1 rupee पर ऑर्डर. ओके, ऑर्डरिंग. एंड देन सी, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट पे मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक स्टोरेज कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10%, इट मीन्स 10% ऑफ 30, इट मीन्स 3 rupees. एंड स्टोरेज कॉस्ट, इट मीन्स योर रेंट, रेंट रेंट इंश्योरेंस एंड टैक्सेस इज 1 rupee पर यूनिट. एंड दिस कम्स टू 4 rupees पर यूनिट. सही है सुनो, गिवन, व्हाट इज दिस गिवन, रेट, रेट पर यूनिट 30 rupees कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना है ना. एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन 800. ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉन्स्टेंट है, 1 rupee पर ऑर्डर. कैरिंग कॉस्ट 4 rupees पर यूनिट. कैसे निकला, 10% ऑफ 30 एंड रेंट इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 1 rupee. नॉर्मली आपका कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको कॉन्स्टेंट ही मिलेगा, खाली मटेरियल का रेट आपको चेंज होगा कि इफ योर ऑर्डर साइज इज दिस मच द रेट इज दिस मच, इफ योर ऑर्डर साइज इज दिस मच रेट इज दिस मच, तो वो आपका चेंज हो सकता है. लेकिन ये तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ये आपको क्या मिलेगा, ये सेम मिलेगा आपको, करेक्ट. ये आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, सेम मिलेगा. दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दिस इज योर स्टोरेज कॉस्ट. सही है सुना, परफेक्टली क्लियर. इसका मतलब अपन क्या निकाल लेंगे, दिस इज योर ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2AO डिवाइडेड बाई सी. ये आपको सब जगह यूज में आएगा. ये आपको याद हो तो मैंने आपको FM में भी कराया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जब मैं आपको कैश, कैश का मैं विड्रॉल वाला से करा था ना, कैश मैनेजमेंट, तभी भी मैंने आपको बताया था. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ये कैश मैनेजमेंट, मैंने आपको बैच कॉस्टिंग में भी ये था, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग में भी ये था करके ना. तो अपन कैसे करेंगे, इट मीन्स ईओक्यू विल बी 2. व्हाट इज द ए, एनुअल 800. व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100 rupees पर ऑर्डर. ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखा है 100 rupees पर ऑर्डर, 100 rupees पर ऑर्डर, 100 rupees पर ऑर्डर. एंड सी फॉर योर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इज 4. इट मीन्स 2 × 800 × 100/4 एंड दिस कम्स टू 800, सॉरी आपका हो जाएगा 2 × 800 × 100/4 रूट इज 200.
आ जाएगा 200 कितना खरीदोगे 200 इफ यू परचेज 200 यूनिट्स आपका जो टोटल कॉस्ट है मटेरियल का आपका जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है वो क्या आएगा इज इट मनी इफ यू परचेज 200 यूनिट्स आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आपको क्या आएगा आपका आंसर यही खत्म हो गया। उसने अपने से क्या पूछा है डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आपका एक ही चीज आप क्वेश्चन में देखा करो अगर आपका प्राइस ऑफ मटेरियल कांस्टेंट है इसका मतलब ईओक्यू लग जाए। नॉर्मली आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट क्या रहता है सेम रहता है। नॉर्मली आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या रहता है सेम रहता है। अगर आपका ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये आपका कैरिंग कॉस्ट नॉर्मली सेम रहता है अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है अगर आपका प्राइस ऑफ मटेरियल अलग अलग है जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया था कि इफ यू परचेज 10 kg तो प्राइस लगेगा 20 आगे जाके एग्जांपल आएगा इफ यू परचेज 20 kg प्राइस लगेगा 19 देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला के लिए प्राइस ऑफ मटेरियल आपका क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट। अब आप बोलते हो कि नहीं सर इसमें 200 आ गया कैन यू वेरीफाई दिस आंसर है आप ये भी बोल सकते हो सर आप थोड़ा वेरीफाई करके बताओ तभी तो दाने की कॉस्टिंग में मजा आएगा। आप थोड़ा वेरीफाई करके बताओ सर आप इसको वेरीफाई कर सकते हो यस कर सकते हैं। एक आप 100 ले लो एक 400 ले लो 200 ले लो इट मींस दिस इज नॉट फॉर एग्जाम हा नॉट फॉर एग्जाम नॉट फॉर एग्जाम एग्जाम के लिए नहीं है बोलो एग्जाम के लिए ये नहीं है नॉट फॉर एग्जाम नॉट फॉर एग्जाम एग्जाम के लिए ये नहीं सही है सर ठीक है क्या करेंगे दिस इज योर वेरिफिकेशन स्टेटमेंट शोइंग टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑर्डर साइज परचेज कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑर्डर साइज व्हाट इज द ऑर्डर साइज व्हाट इज द ऑर्डर साइज 200 एक आप ले लो 100 यूनिट्स का एक आप ले लो 400 यूनिट्स का एक आप ले लो 200 यूनिट्स का व्हाट इज द परचेज कॉस्ट 800 इनटू आप कुछ भी खरीदो आपको रेट क्या लगेगा 30 रुपीज सही है सुनो आपको दे रखा है ना प्राइस क्या प्राइस दे रखा देखो 30 रुपीज कुछ भी खरीदो आपको रेट क्या लगेगा 30 रुपीज मीन्स 800 × 30 24,000
24,000 ordering cost. 800 divided by 100, 800 divided by 400, 800 divided by 200. एक ऑर्डर का कॉस्ट क्या दे रखा है अपने को, व्हाट इज द कॉस्ट पर ऑर्डर, 100 रुपीज, 100 100 100, 10 हाफ ऑफ 100, हाफ ऑफ 400, हाफ ऑफ 200 इनटू व्हाट इज द कॉस्ट, 4 रुपीज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट निकाला ना, 4 रुपीज पर यूनिट, 4 रुपीज। दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, आपके रेफरेंस के लिए। 800 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इज 800 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 इज 200, 800 divided by 200 into 100 is 400, 100 divided by 2 into 4, 200, 400 divided by 2 into 4 is 800, 200 divided by 2 into 4, 400. It means 2400 plus 800 plus 200, 24,000 plus 800 plus 200, हमारा कॉस्ट क्या आएगा, 25,000, then 24,000 plus 200 plus 800, 24,000 plus 200 plus 800 is 25,000, then 24,000 plus 400 plus 400 is 24,000. आपका जो सबसे कम कॉस्ट आएगा, आपका जो सबसे कम कॉस्ट आएगा वो कहाँ आएगा, 24,800। और मैंने आपको क्या बताया था कि आपका कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा आपका क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। तो कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी एग्जैक्टली सेम, हमेशा आपका क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ऑलवेज सेम। और आपका मिनिमम जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट है वो क्या होगा, मिनिमम। सही है, एग्जैक्टली आपका क्या आएगा, इज ए मिनिमम। इट मीन्स 100 ले लो आप, 400 ले लो, 200 ले लो, 800 हमको पूरे साल में खरीदना है, व्हाट इज द प्राइस, 30 30 30, टोटल 24 24, 800 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, 800 डिवाइडेड बाय 400 इनटू 100, 800 200, हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज इनटू रेट इनटू, एंड दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट। परफेक्ट, ऑल राइट। अब आप जरा इसी पे आप जरा देखिए, धीरे धीरे करके यही कंसेप्ट को अपन रिवाइज करेंगे। इट मींस योर क्वेश्चन नंबर सिक्स आप जरा देख लीजिए फ्रेंड्स, पेज नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 1.6 इज फ्रॉम सॉल्यूशन बुक। सही है, सुनो देखिए जरा मिला फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 3 पे आप जरा देख लीजिए। जी लिमिटेड प्रोड्यूसर जे प्रोडक्ट विच हैज ए मंथली डिमांड ऑफ 4000 यूनिट्स। अब यहां पे बहुत ध्यान रखना, मैं आपको डे 1 में समझाया था, व्हाट डू मीन बाय कंजम्पशन, कंजम्पशन मींस प्रोडक्शन इनटू
मटेरियल रिक्वायर्ड्स। मैंने काफी बच्चों की जब हम पेपर चेक करते हैं तो हमको पता चलता है अरे यार इसने ये क्या मिस्टेक कर दिया। जब हम पेपर चेक करते हैं आपके एग्जाम्स के पेपर रहते हैं वो हम चेक करते हैं तो पता चलता है यार ये स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जी लिमिटेड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट विच हैज ए मंथली डिमांड, इट मीन्स ये आपका हो गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ 4000 यूनिट्स। क्या है, प्रोडक्शन ऑफ 4000 यूनिट्स। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स ए कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज एट द रेट ऑफ 20। इसका मतलब आपका परचेज प्राइस, आपका परचेज प्राइस क्या दे रखा है, 20 रुपीज। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। नाउ ध्यान रखिए, कंजम्पशन, कंजम्पशन मीन्स योर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल। क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन इसका मतलब 4000 इनटू 12, 48000 इज योर प्रोडक्शन। और क्या बोल रहा है, एक यूनिट को बनाने में फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब इनटू 1 आपका कंजम्पशन क्या होगा, 48000। इसको हम क्या बोलेंगे, एनुअल कंजम्पशन। इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, बोलो, इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। इसका मतलब इसमें आपका ईओक्यू लग जाएगा। क्यों ईओक्यू लग जाएगा, कैसे लग जाएगा, देखो ये 48000 आपका प्राइस ऑफ द मटेरियल क्या है, कांस्टेंट। ऐसे तो अपन कैरिंग कॉस्ट का भी देखते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये, लेकिन ये नॉर्मली आपको सेम मिलेंगे। प्राइस ऑफ द मटेरियल आपका कांस्टेंट होना चाहिए। आगे चल के मैं क्वेश्चन कराऊंगा भी, यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ईओक्यू विलियम्स का नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑफ द मटेरियल क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है। प्राइस ऑफ द मटेरियल आपका क्या हो रहा है, बोलो, डिफर हो रहा है, इसके लिए आप नहीं लगा सकते। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब अपन वापस से लिख लेते हैं, इट मीन्स दिस इज गिवन ए फॉर एनुअल कंजम्पशन विच इज 4000 यूनिट्स इंटू 12 इंटू 1 इज 48000। यहां पे मैंने बोला ना, हम बच्चों की जब कॉपी चेक करते हैं तो हमको पता चलता है यार इसने क्या मिस्टेक कर दिया था एग्जाम में करके, 48000, 4000 इंटू 12 इंटू 1, 1 इज ए मेटेरियल इज रिक्वायर्ड, ओ ओ फॉर योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ फॉर योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 एंड सी फॉर योर कैरिंग कॉस्ट, योर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इज 10% एंड व्हाट इज अ परचेज पी, पी फॉर परचेज प्राइस एंड व्हाट इज अ परचेज प्राइस इज 20। सो ई ओ क्यू इक्वल टू 2AO डिवाइडेड बाय सी, 2A 48000, 2AO डिवाइडेड बाय सी, इट इज 20 का 10% इज 2। इज दिस क्लियर हो, बताइए, इज दिस क्लियर नोट, ए ए फॉर एनुअल कंजम्पशन 48000, 4000 इज ए फिनिश गुड्स पर मंथ, हाँ, जी लिमिटेड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट विच एज ए मंथली डिमांड ऑफ, ये आपका प्रोडक्शन इंटू 12 इंटू 1 48000, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट,
O for ordering cost 120, C for carrying cost 10%, and P for purchase price 20. EOQ 2AO divided by C. It means this is 2 into 48,000 into 120 divided by 2. And आप रूट करिए आपको क्या आएगा 2400. It means if you purchase 2400 units, आपका जो total cost है material का वो क्या आएगा minimum. This will be your answer number 2. Economic order quantity. इसका मतलब क्या हुआ, यू परचेज एनीथिंग. इसका मतलब ये हुआ कि यू परचेज एनीथिंग विच इज लेस देन और मोर देन 2400. यू परचेज एनीथिंग विच इज लेस देन और मोर देन 2400, आपको क्या लगेगा एक्स्ट्रा कॉस्ट. मतलब 2400 से कुछ भी आप कम लोग ज्यादा लोगे या कम लोगे आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना ही पड़ेगा. इसका मतलब इफ यू वांट मिनिमम कॉस्ट यू हैव टू परचेस 2400. ये प्रोफेसर विलियम्स ईओक्यू बोलते हैं और वो बोलते हैं कि एच पर ईओक्यू योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आपका क्या रहेगा सेम. लेकिन दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इफ द प्राइस ऑफ मटेरियल इज कॉन्स्टेंट, पर ऑर्डर का कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट एंड योर कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज इज कॉन्स्टेंट. ओके अब आप आ जाइए. इफ द मिनिमम लॉट साइज सप्लाइड इज 4000, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी हैज टू इनकर. अगर आप कुछ भी खरीदोगे विच इज मोर देन और लेस देन 2400 आपको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कॉस्ट. इट मींस स्टेटमेंट statement showing extra cost order size purchase cost ordering cost carrying cost total cost. सही है सुनो फ्रेंड्स, हम लोग कितना खरीद रहे हैं 2400. ये क्या बोल रहा है कि यू परचेज 4000. हम लोग कितना बोल रहे हैं 2400. हम लोग कितना बोल रहे हैं 2400. ये लोग कितना बोल रहे हैं, हम लोग कितना बोल रहे हैं 2400. ये लोग कितना बोल रहे हैं, ये लोग कितना बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं परचेज 4000. पूरे साल में कितना खरीदना है, पूरे साल में आपको खरीदना है 48000. इट मीन्स 48. What is the price of purchase? The price of purchase is 20 rupees. What is the price of purchase is 48,000 into 20. Forty-eight thousand, four thousand. एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है 120. इट मीन्स 48,000 डिवाइडेड बाय 2400 into 120. 2400.
48,000 divided by 4,000 into 120 is 10, half of 2400, half of 4000 carrying cost. What is the carrying cost? Carrying cost is 2 rupees. 20 का 10% is 2 rupees. या तो 20 का 10% या 2 rupees, दोनों लिख लो आप. Okay, it means 2400 divided by 2 into 2. 2400 into 2 divided by 2 will be 2400. And 4000 divided by 2 into 2 is 4000. It means 960,000. 2400 is 964,800. And 960,1440 plus 4000 is 965,440. Extra cost. Extra cost आपको लगेगा 964,864. Is this clear? Statement showing extra cost, order size 2400, 4000. ये आपका purchase cost, ये आपका ordering cost, ये आपका carrying cost में half ध्यान रखना. क्यों half? बोलो. Opening plus closing divided by 2, 3. What is the minimum carrying cost? It means third. Your minimum carrying cost equal to minimum carrying cost company has to incur. Minimum carrying cost company has to incur is 2,400. Minimum carrying cost 2000. और देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपका EOQ है तो आपका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम. कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा हमेशा आपका क्या रहेगा? सेम. ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट हमेशा आपका क्या रहेगा? इज सेम. सही है, सुनो. कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा आपका क्या रहेगा? सेम. सही है, सुनो. ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स. योर दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. ये क्लियर हुआ ना फ्रेंड्स? 6 है. आपने क्या पूछा? 2400 के 4000, तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा? वो अपन ने निकाल दिया. और मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, ये और ये दोनों में मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कौन सा है? 2400. अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 एंड पेज नंबर 4 फ्रॉम क्वेश्चन बुक. और क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 1.7 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक. बोलो यासर. जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए स्पेशल प्रोडक्ट. क्वेश्चन 7. जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए स्पेशल प्रोडक्ट, फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू. देखो ध्यान रखना, कंपनी कहां पे काम कर रही है? एट ईओक्यू. कंपनी कहां पर काम कर रही है? बोलो. ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर वन ऑफ द कंपोनेंट. द कंपोनेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज. परचेज प्राइस आपको दे रखा है 200. इसका मतलब परचेज प्राइस आपको दे रखा है रुपीज 200. ठीक है. एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग वन यूनिट ऑफ 10% इन इन्वेंटरी प्राइस
टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग ऑर्डरिंग पर, हाँ कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखा है 100 रुपीज। एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट ऑफ परचेज इन्वेंट्री प्राइस इज 10%। टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग इट मीन्स योर कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। क्या दे रखा है, परचेज प्राइस ऑफ द कंपोनेंट इज 200, कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर 100 रुपीज, एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट ऑफ 10% परचेज इन द इन्वेंट्री प्राइस। टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग इट मीन्स कैरिंग प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 4000। ओके, कंपनी हैज रिसीव्ड एंड ऑफर्ड ए डिस्काउंट 2% ऑन द प्राइस ऑफ द कंपोनेंट प्रोवाइडेड द लॉट साइज इज 2000 कंपोनेंट्स एट ए टाइम यू आर रिक्वायर्ड। कंप्यूट द ईओक्यू, एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। एज्यूम दैट द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट पॉलिसी। वुड योर एडवाइस डिफर इफ द कंपनी ऑफर्ड 5% डिस्काउंट ऑन ए सिंगल ऑर्डर, ऑन ए सिंगल ऑर्डर। अब देखो फ्रेंड्स वन बाई वन, पहले वापस से अपन लिख लेते हैं, दिस इज योर गिवन, जेपी लिमिटेड, जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्पेशल प्रोडक्ट फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू। कंपनी एट प्रेजेंट कहां पे वर्क कर रही है, ईओक्यू। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से पता चलेगा एग्जामिनर को कि यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्टिंग, राइट। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर है स्पेशल प्रोडक्ट फॉलो द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। द कंपोनेंट्स डिटेल्स आर एज फॉलोज, परचेज प्राइस, दिस इज योर परचेज price, what is the purchase price is 200, cost of an order it means ordering cost aapko de rakha hai 100 rupees, annual cost of carrying 1 unit of is 10% परचेज इन्वेंट्री प्राइस। इसका मतलब आपका कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखा है 10% परचेज इन इन्वेंट्री प्राइस, ठीक है। द टोटल कॉस्ट, अब ये जरा ध्यान देना, टोटल कॉस्ट, दिस इज योर टोटल कॉस्ट, कौन सा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग इज 2000 एंड टोटल 4000। टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग पर एनम इज 4000, टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग इज 4000। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 2%, वो बाद में अपन देख लेते हैं। ये इसका मतलब अगर कंपनी ईओक्यू पे वर्क कर रही है, ये डीकेसी का ये पॉइंट है, अगर कंपनी ईओक्यू पर काम कर रही है, अगर कंपनी ईओक्यू पे काम कर रही है और आपको टोटल कॉस्ट किसका दिया है, कैरिंग एंड ऑर्डरिंग का, इसका मतलब आपका कैरिंग और ऑर्डरिंग क्या होगा, हाफ हाफ। मैंने आपको क्या बताया था, इफ यू आर वर्किंग ऑन ईओक्यू, अगर आप ईओक्यू पे काम कर रहे हैं तो जितना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगा उतना ही आपका कैरिंग कॉस्ट रहेगा। इसका मतलब अगर ये आपका एक्स है तो ये भी आपका क्या रहेगा, एक्स। तो 2x इक्वल टू 4000, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू क्या होगा,
2x इक्वल टू अगर आपका 4000 है तो x इक्वल टू आपका क्या आएगा 2000। व्हाट इज योर परचेज, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस आपको क्या दे रखा है 200, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको क्या दे रखा है 100, कैरिंग कॉस्ट आपको क्या दे रखा है 10%। टोटल कॉस्ट इज दिस x, x एंड दिस इज 2000, 2x इक्वल टू 4000, x इक्वल टू 2000। इसका मतलब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 2000 है और आपका कैरिंग कॉस्ट भी 2000 है। सही है, सुनो इफ यू आर वर्किंग ऑन एट, ओके दिस, इसका मतलब आप जरा समझ लो यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स बोलो। अब कैरिंग कॉस्ट क्या होता है बोलो, और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है योर, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नंबर ऑफ, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा कितना है 2000, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमको मालूम नहीं है, और एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है 100 रुपीज। इसका मतलब ये क्या आएगा, ये आपका क्या आएगा, इसका मतलब 2000 डिवाइड बाई 100 आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके हो जाएंगे 20, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके क्या हो जाएंगे। सही है सुनो, इसका मतलब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको क्या दे रखा है, ये आपने सपोज एज्यूम कर लिया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इज एक्स, इसका मतलब आपका हो जाएगा टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू इक्वल टू 100, एक्स इक्वल टू 2000 एंड एक्स इक्वल टू 20। इसका मतलब आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने रहे होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके रहे होंगे 20। सही है सर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके कितने रहे होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके कितने रहे होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके रहे होंगे 20, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके कितने रहे होंगे 20, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके कितने रहे होंगे बोलो 20। अब आप आ जाइए सेकंड वाला पार्ट फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि आप ईओक्यू पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपका 2x इक्वल टू 4000 हो जाएगा x। अब कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है बोलो, कैरिंग कॉस्ट आपका क्या होता है, इट मींस कैरिंग कॉस्ट आपका रहेगा हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज इंटू 200 इंटू 10%। कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखा है 2000, दिस इज हाफ इंटू ऑर्डर साइज, अपने को पता नहीं है ऑर्डर साइज, अपने को पता नहीं है, इंटू 200 इंटू 10%। इसका मतलब 2000 इक्वल टू हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज इंटू 200, 200 का 10% 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, इट मींस 10 ऑर्डर साइज, इट मींस ऑर्डर साइज इक्वल टू आपका 200 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ, 2000 डिवाइडेड बाय 10 ऑर्डर साइज, तो ऑर्डर साइज इक्वल टू, तो ऑर्डर साइज आपका क्या है, इट मींस ऑर्डर साइज है आपका, ऑर्डर साइज इक्वल टू आपको दे रखा है 200, और कंपनी कहां पे काम कर रही है, ईओक्यू, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा EOQ, ये आपका क्या हो जाएगा EOQ, ये आपका क्या हो जाएगा EOQ, ऑलराइट फ्रेंड्स, ये 200। इसका मतलब आपका कहां पे हो रहा है,
अब नाउ यू कैन वेरीफाई ऑल्सो योर आंसर. इसका मतलब आपको अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं 20 और आपका ऑर्डर साइज एक बार में आप कितना खरीद रहे हैं 200, इसका मतलब आपका एनुअल कंजम्पशन क्या हो रहा होगा, एनुअल कंजम्पशन आपका रहा होगा 20 टाइम्स आप खरीद रहे हो और एट ए टाइम आप खरीद रहे हो 200, इट मींस एनुअल कंजम्पशन विल बी 4000. आपका जो एनुअल कंजम्पशन है, आपका जो एनुअल कंजम्पशन है वो एनुअल कंजम्पशन आपका कितना रहेगा बोलो, आपका जो एनुअल कंजम्पशन है आपका एनुअल कंजम्पशन कितना रहेगा बोलो 4000, क्योंकि आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन चल रहा है फ्रेंड्स, वन ऑफ दी बेस्ट क्वेश्चन आपका चल रहा है करके ना, आपका कितने ऑर्डर्स आपने दिए थे 20 और एक बार में कितना खरीदा, कंपनी कहां पे काम कर रही है एट प्रेजेंट ईओक्यू पे, तो 20 × 200 आपका कितना हो जाएगा 4000, 20 × 200 आपका क्या हो जाएगा 4000. सही है सुना. अब अगर आपको चाहिए तो यू कैन वेरीफाई योर आंसर. कैसे वेरीफाई करेंगे देखो जरा, कैसे वेरीफाई करेंगे देखो, इट मींस कैसे वेरीफाई करेंगे आंसर को वो आप जरा देख लीजिए. इट मींस आपके पास ये भी आ गया, आपके पास इसको क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं दिखाने के लिए, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपके पास सब इंफॉर्मेशन क्या है गिवन है. ये आपके पास सब इंफॉर्मेशन गिवन है, कंपनी एट प्रेजेंट कहां पे काम कर रही है ईओक्यू, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है हाफ ऑफ, कंपनी कहां पे काम कर रही है ईओक्यू इंटू 200 इंटू 10% एंड दिस कम्स टू 2000, सो योर ईओक्यू विल बी 200. नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू 100 इक्वल टू 2000, इट मीन्स एक्स इंटू 100 इक्वल टू 2000 एंड देन एक्स इक्वल टू 20. तो आपका एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा इज 20 × 200 इज 4000. अब अगर आपको वेरीफाई करना है आंसर तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपका ईओक्यू क्यों आना चाहिए 400, इट मींस योर ईओक्यू विल बी 2A फॉर एनुअल कंजम्पशन, O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड C फॉर कैरिंग कॉस्ट, इट मींस 10% ऑफ 200 इज 20, इट मींस 4000 × 2 × 100 डिवाइडेड बाई 20 एंड दिस कम्स, आपका वेरीफाई हो गया. ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन बहुत बहुत, मैंने इसके लिए आपको बताया था जब तक अगर आपने डीकेसी नहीं अटेंड किया, ये ऐसा कहीं दे ही नहीं रखा है, विलियम्स ने कहीं ऐसा बोला ही नहीं है कि मेरा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहेगा करके, ऐसा कहीं बोला ही नहीं है विलियम्स ने कहीं पे भी ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि मेरा कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहेगा. ये तो आपको देख जजमेंट करना है कि यार एज पर ईओक्यू इफ द कंपनी इज फॉलोइंग ईओक्यू योर कैरिंग कॉस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर ऑर्डरिंग कॉस्ट. सही है सर, इसका मतलब आपका ईओक्यू. तो पहला आंसर आपका आ गया, दिस इज योर आंसर नंबर ए, दिस इज योर आंसर नंबर ए इज ईओक्यू एंड ईओक्यू आपका क्या आ जाएगा 200. सही है सुनो, आपका ईओक्यू क्या आ जाएगा, आपका ईओक्यू आ जाएगा 200, आपका ईओक्यू क्या आ जाएगा 200. सही है सुनो, एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड. अब क्या बोल रहा है, द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द प्राइस ऑफ कंपोनेंट प्रोवाइडेड द लॉट साइज इज 2000. इसका मतलब अभी प्राइस फ्लक्चुएट हो गया बराबर, अब ये बोल रहा है कि या तो आप खरीदो 200 एट ए टाइम,
या फिर आप क्या करो, 200 की जगह यू परचेज 2000, तो आपको जो परचेज प्राइस है उसमें कितना हो जाएगा, 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। आपको परचेज प्राइस में क्या मिल जाएगा बोलो, 2% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा परचेज प्राइस में। परचेज प्राइस में आपको क्या मिल जाएगा, 2% का डिस्काउंट। देखो जरा आप, इट मीन्स योर स्टेटमेंट शोइंग टोटल मटेरियल कॉस्ट, ये रिवर्स वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। अच्छा, एट प्रेजेंट हम लोग कहां पे काम कर रहे थे, ऑर्डर साइज अपना क्या था 200, वो भी हम लोग काम कर रहे थे ईओक्यू पे। परचेज प्राइस ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट टोटल कॉस्ट, सही आंसर परचेज प्राइस। इसका मतलब एट प्रेजेंट हम लोग का व्हाट इज द एनुअल कंजम्पशन क्या था, 4000 निकाला था अपन ने। 20 ऑर्डर से अपने पास, 20 ऑर्डर से और ईओक्यू में हम खरीद रहे थे 200, तो हमारा क्या था 4000, 4000 हमारा एनुअल। यस, अब ये 200 की जगह क्या बोल रहा है कि यू परचेज 2000, चलो 4000 खरीदना है। पहले हमारा क्या रेट लग रहा था, परचेस प्राइस 200, परचेस प्राइस क्या लग रहा है 200। अब वो क्या बोल रहा है कि 2% का आपको क्या मिल जाएगा डिस्काउंट, इसका मतलब इनटू 98%, ये आपको क्लियर हुआ कि इट मींस योर 4000 इनटू 200 इज 4000 इंटू 200 इज 8 लैक्स, 4000 इंटू 200 इंटू 98% इज 784। देन 4000, 2000, 200, हाफ ऑफ 200, हाफ ऑफ 2000, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था 100 रुपीज, इट मींस 4000 डिवाइडेड बाय 200 इन 200, 2000, 4000 डिवाइडेड बाय 2000 इन 200 इज देन कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ 200 इन टू व्हाट इज द प्राइस, प्राइस क्या था 200, उसका 10%, 200 इन टू 10% और 200। अब यहां पे आना चाहिए 200 का 98%, ये जरा ध्यान देना। यहां पे क्या आना चाहिए, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज आपका क्या है 2000, हाफ ऑफ 2000 इनटू व्हाट इज द प्राइस 200, लेकिन उससे क्या बोला है 2% डिस्काउंट है, तो 98% आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोला है एज्यूमिंग दैट द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, एज्यूमिंग दैट द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी, इसका मतलब इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यू टेक डायरेक्टली 10% ओनली। इट मींस दिस इज 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 200 इंटू 10% इज
2000, and 2000 divided by 2 into 200 into 10% is 20,000. It means your 8 lakhs plus 2000 plus 2000 is 8,04,000. Say yes or no, friends. This is your 8,04,000. And this comes to 7,84,000 plus 20. 7,84,000 plus 20 plus 200 is 8,04,200. इसका मतलब we should not take, because यहाँ पे अपना cost आ रहा है 804, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब we should not accept the proposal. Answer B, answer number B, no, we should not go for that. Answer number B, not accept, because cost increasing by 200. क्या बोल रहे हैं? Not accept, not accept offer, not accept offer because the cost increasing by 200. It means 804,200 minus 804. Yes. अब आंसर नंबर सी में क्या बोल रहा है वो, वुड योर एडवाइस डिफर इफ द कंपनी इज ऑफर्ड 5% डिस्काउंट ऑन ए सिंगल ऑर्डर. कंपनी बोल रही है कि अगर सिंगल ऑर्डर अपने को मिलेगा, सिंगल ऑर्डर अगर अपने को मिलेगा तो अपने को 5% डिस्काउंट है. वुड योर एडवाइस, यस. इट मीन्स सिंगल ऑर्डर, इट मीन्स पूरा की पूरा 4000 खरीदना पड़ेगा. 4000 इंटू 200 into 95%, it means your 4000 into 200 into 95% is 760. 4000 divided by 4000 into 100, half of 4000 into 200, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला है तो 95% लेना पड़ेगा. यहाँ पहले पहले पार्ट में उसने बोला है, एज्यूम दैट द, पार्ट बी में जरा देखिए, एज्यूम दैट द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट पॉलिसी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो यहाँ पे हम लेंगे ये. इट मीन्स इंटू 10%, दिस कम्स टू 4000 divided by 2 into 200 into 95% into 10% is 38,000. It means 7,60,000 plus 100 plus 38,000 is 798,100. पहले हमारा कॉस्ट कितना आ रहा था 8,04,000, अब आ रहा है तो यस, वी शुड एक्सेप्ट दिस. सही है, सुनो, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है 804, यहाँ पे कितना आ रहा है 804,200, तो हमने बोला नो. लेकिन यहाँ पे हमारा कॉस्ट क्या आ रहा है 804, यहाँ पे हमारा कॉस्ट क्या आ रहा है, तो हमने क्या बोला एक्सेप्ट. तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ईओक्यू पे काम करते तो आपका कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका क्या रहेगा, सेम. इससे पता चलेगा फ्रेंड यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्टिंग. ये पॉइंट से, ये कैलकुलेशन से एग्जामिनर को पता चलेगा कि यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्टिंग, राइट. वाइफ को फोन करेगा और बोलेगा आई वांटेड टू गिव यू ट्रीट टुडे. वाइफ बोलेगी व्हाई, व्हाट हैपेंड, बोले आई हैव सीन द
सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आपको फ्रेंड ये यू लिखना, ये सबसे मास्टर पीस है आपका घर। आर यू फॉलोइंग ऑन? ओके, अब कभी कभी क्या रहता है, ईओक्यू नहीं लगेगा। कहां नहीं लगेगा देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखो, आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ आप मुझे क्यों नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एंड पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 4, इसमें ईओक्यू मॉडल नहीं लग सकता। अब क्यों नहीं लग सकता वो मुझे कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करता हूं। ओके, थैंक यू।